से निकली यूं करके एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रजत एंड यू वाचिंग ट्रेवल्स इंडिया। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दबंग 3 का जो गाना है यू करके उसकी शूटिंग लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। और अभी मैं उसी लोकेशन के ऊपर हूँ जिस लोकेशन के ऊपर इस गाने की जो शूटिंग हुई थी। तो सबसे पहले बता दूँ मैं हूँ कहाँ पर, तो मैं हूँ जयगढ़ फोर्ट जयपुर के अंदर। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो इस वाली जगह के ऊपर यहाँ पर वो जो यू करके जो सॉन्ग है उसकी शूटिंग हुई थी। तो चलिए सबसे पहले सीन टू सीन कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एक जो सीन है वो यहाँ से लिया गया था कुछ ऐसे, जिसमें इस वाली जगह के ऊपर यहाँ पर जो सलमान खान सर और सोनाक्षी मैम हैं वो डांस करते हैं, एक क्लोजअप शॉट लिया गया था जिसमें बैकग्राउंड में आपको ये छतरी देखने को मिलती है। और एक जो सीन है वो कुछ ऐसे ऊपर से भी लिया गया था जिसमें आपको ये पूरी की पूरा जो व्यू है वो देखने को मिलता है। आप यहाँ पर सीन टू सीन मैच करके देख सकते हो। और आपने वो गाना तो देखा ही होगा, तो उस गाने के अंदर आपको गेट वाले कुछ जो सीन है वो दिखाई देते हैं। तो जो गेट वाले जो सीन हैं वो यहाँ से शूट करे गए थे। और ये वाला वो गेट रहते हैं, इसी गेट के ऊपर यहाँ पर वो जो गाना है पूरा का पूरा वो शूट करा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला वो ओवरऑल पूरा का पूरा लोकेशन है। और ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया के यहाँ पर जो सलमान खान सर है वो बीच में डांस करते हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट के साथ मैच करके देख सकते हो। और यहाँ पर ये वाला वो व्यू है। तो चलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे से दिखाता हूँ। तो ये जयगढ़ फोर्ट है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो सबसे पहले तो बता दूँ इसकी जो एंट्री है वो है 100 रुपये। 100 रुपये दे के आप सुबह 10 बजे से लेके शाम की 5 बजे तक घूम सकते हो। तो यहाँ पर ये जो छतरी है वो कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो जाली है ये दिखा देता हूँ, आप इसको भी स्क्रीनशॉट के साथ मैच करके देख लीजिए। आपको कुछ कुछ सीन में ये जो जालियाँ हैं वो भी देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं अभी आपको आगे से दिखाता हूँ। और यहाँ से जो व्यू है वो मतलब कतई जहर वाला व्यू है। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए। और यहाँ से जो व्यू है मतलब नेक्स्ट लेवल वाला है। और यहाँ से ये पूरा का पूरा अपना जयपुर, वो फिर जो सामने आप देख सकते हो वो आमेर फोर्ट है। और ये पूरा का पूरा व्यू यहाँ से कुछ ऐसा है। तो चलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ जो सीन है वो शूट करे गए थे। तो चलिए चलते हैं आगे की साइड। तो उस सॉन्ग के अंदर आपने जो गेट्स बने हुए देखे थे, अभी राइट नाउ मैं उनके ऊपर ही चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, इधर थोड़ा सा जाना अलाउ नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला व्यू कुछ ऐसा है। और जो गेट है मेरे पीछे बने हुए वो यहाँ पे हैं, ये आप देख सकते हो, 1, 2 और फिर ये तीसरा। और फिर इसी जगह के ऊपर वो डांस करते हैं। और वो जो सामने वाली जो छतरी आप देख सकते हो, इस छतरी के अंदर भी यहाँ पर कुछ जो सीन है वो शूट करे गए थे। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सीन आ रहे हैं वो इसी छतरियों के बीच में शूट करे गए थे, लेकिन अभी नीचे जाना अलाउ नहीं है तो मैं आपको नीचे से तो नहीं दिखा पाऊँगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे करके जो सीन है वो शूट करे गए थे। और ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर मेरे को जो छतरी वाला जो व्यू है वो काफ़ी कमाल लग रहा है। और मेरे को ऐसे जो ऊपर से जो व्यूज़ होते हैं वो काफ़ी कमाल ही लगते हैं हमेशा। और बेसिकली जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो अगर आप लोग मेरा फ़ोटोग्राफी का काम देखना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं धमाकेदार फ़ोटोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ से अपन व्यू की बात करते हैं। उस वाली पहले वाली जगह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये वाला पूरा का पूरा जयपुर शहर।
और यहाँ पर आप वो नीचे वाला देख सकते हो। मैं हमेशा उस आमेर फोर्ट के अंदर से इस फोर्ट को देखा करता था, लेकिन फाइनली आज हम ऊपर आ चुके हैं आमेर फोर्ट के भी ऊपर, जयगढ़ फोर्ट के अंदर। और ये पूरा का पूरा आमेर फोर्ट है, इसका भी एक डिटेल वाला वीडियो आएगा, तो उसका भी वेट कीजिएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये वाला आमेर फोर्ट है, और ये पूरा का पूरा व्यू। यहाँ पर पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये एरिया हो गया है। तो चलिए अभी अपन चलते हैं वापस इधर की साइड। तो यहाँ पर ये ऐसा राउंड करके बनाया हुआ है, आप इधर से जाके फिर इधर की साइड वापस आ सकते हो। तो अपन ट्राई करते हैं कि अपने को नीचे जाने को मिलता है क्या। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला व्यू, ये वाले जो गेट है वो सबसे ज़्यादा उस सोंग के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर सीन टू सीन मैच करके देख सकते हो। और ये वाला पूरा का पूरा व्यू है, और जो छतरियाँ मैं बता रहा था वो यहाँ से लिया गया था। तब यहाँ पर उन छतरियों के बीच में यहाँ पर जो सलमान खान सर है वो डांस करते हैं, और बैकग्राउंड में अपने को ये वाले जो गेट है वो देखने को मिलते हैं। तो ये वाला कुछ ऐसा है। तो चलिए अभी पता चलते हैं उधर की साइड जहाँ से अपन आए थे। तो ओवरऑल मैंने आपको लोकेशन की लोकेशन दिखा दी, और साथ में मैंने आपको जो सॉन्ग है वो कैसे कैसे शूट हुआ था वो भी बता दिया, और आपके 100 रुपये भी बच गए। अच्छा, ये इधर से कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो सामने वाला जो एरिया है वहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, और वापस मैं वही आ गया हूँ। और यहाँ पर भी कुछ तो है। तो ये जो फोर्ट है वो भी आप पूरा का पूरा घूम सकते हो, काफ़ी बड़ा फोर्ट है। आप अगर एक दिन में घूमना चाहो तो भी थक जाओगे, इतना बड़ा फोर्ट है। तो अपन चलते हैं वापस इधर की साइड। और मैं जिन छतरियों की बात कर रहा था, छतरियाँ है वो ये वाली रहती है। आप यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है वो मैच कर सकते हो, और बैकग्राउंड में आपको जो ये जो गेट है वो भी देखने को मिलते हैं इन्हीं छतरियों के बीच में। यहाँ पर जो सलमान खान सर और जो सोनाक्षी सिन्हा मैम हैं वो डांस करती हैं। तो यहाँ पर आप सीन टू सीन मैच करके देख सकते हो इस वाली जगह के ऊपर, यहाँ पर वो जो सीन है वो शूट करे गए थे। तो अभी मैं थोड़ा सा चलता हूँ और आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था वो वाला पॉइंट आ चुका है। तो मैं वापस इधर की साइड आ जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो फ्रेंड है वो पहले भी बातें कर रहा था, अभी भी बातें कर रहा है, मतलब इनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती है। अपना वीडियो ख़त्म हो गया लेकिन इनकी बातें ख़त्म नहीं हुई है। और अपन ने जहाँ से स्टार्ट करा था वो वाला पॉइंट आ चुका है, और ये वाला कुछ ऐसा लोकेशन है। तो अब हम लोग जा रहे हैं इस सॉन्ग के नेक्स्ट शूटिंग लोकेशन के ऊपर, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये जो लोकेशन है वो कैसी दिखती है। तो आ जाइए। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ पन्ना मीणा का कुंड, जो कि जयपुर के अंदर है। और इसी लोकेशन के ऊपर यहाँ पर ये जो सलमान खान सर का जो गाना है यू करके, कुछ के कुछ जो सीन है वो इस वाली जगह के ऊपर भी शूट किए गए थे। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये वाली लोकेशन। और ये वाली जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है जयपुर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली पूरी की पूरी लोकेशन है, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सो दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो ये लोकेशन है। तो सबसे पहले आप पूरी की पूरी लोकेशन को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉन्ग के बारे में बात करेंगे।
सो दोस्तों इसी जगह के ऊपर यहाँ पर जो सलमान भाई का जो सॉन्ग है वो शूट हुआ था। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को आज आप लोग को कंपैरिजन का वीडियो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस लोकेशन को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर कौन सा जो सीन है वो शूट किया गया था। तो इस खूबसूरत सी लोकेशन के ऊपर वीडियो को एंड करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।